हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तिरुपति, मैं क्रूज रेड वीडियो बना दे रखता हूँ। आज की टॉपिक यह है कि STCW कोर्स कैसे करना है, कैसे करना है, वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। STCW कोर्स का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, इसका फुल फॉर्म है। ये आपको सीफेयर बनना है, सीमेन बनना है, इट्स अ मैंडेटरी। इसके लिए क्या है, आप इसके बारे में बात करेंगे। मैं कहाँ से किया वो बताता हूँ। एक्चुअली मुंबई में बहुत सारे, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा नहीं, मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। ये आपको इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए कि आपको DG अप्रूव होना चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी लगेगा, उसके बाद में जाके क्या होगा, ये आपको ये सर्टिफिकेशन आपको ये नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। इसके लिए आपको जब भी DG शिपिंग करना है, सॉरी कभी आपको STCW कोर्स करना है, पहले उसके बारे में जानिए ये DG अप्रूव है क्या नहीं, वो जान के आपको ये कोर्स करना जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, STCW कोर्स क्या होता है। ये देखिए मेरा STCW कोर्स है। एक्चुअली ये पांच कोर्स होता है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, फायर प्रिवेंशन, फायर फाइटिंग, एलिमेंटरी फर्स्ट एड एंड पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोर्सेस है। और सिक्योरिटी फॉर सीफेयरर्स विद डिजाइनेटेड ड्यूटीज, ये सबके लिए कंपलसरी है। ये पांच कोर्स जो होता है ना, सबके लिए कंपलसरी है, सीमेन बनता है। और एक मैं पैसेंजरशिप में ज्वाइन होने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको, अगर पैसेंजरशिप वाला है उनके लिए अलग चाहिए, क्या चाहिए, PSF करके, ये है PSF, पैसेंजर फैमिलियराइजेशन करके PSF होता है। देखिए ऐसा आएगा आपको, जो डॉक्यूमेंट है ना ऐसा आएगा। आपको ये देखना है कि ये DG अप्रूव है क्या नहीं, तो ये देख के आपको आपको ट्रेनिंग करना है। ये आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग रेट तय करेगी, किसी में 15 दिन में करता है, किसी 16 दिन में करता है। अभी का अलग हो गया, पहले तो हम लोग जाके इंस्टीट्यूट में कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कोविड की वजह से क्या किया है लोग ने, अपना ऑनलाइन हो गया सब, तो आपको ई लर्निंग करना पड़ेगा। ई लर्निंग करके फिर उसके बाद जाके कोर्स करना पड़ेगा, घर बैठे आपको ऑनलाइन कोर्स करना है, फिर जाके आपको ये करना है, अपना एग्जिट एग्जाम देना है, उसके बाद जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अभी जो सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, वो आपको 18 महीने का मिल रहा है। पहला ये जो ये देखिए, ये मेरा डेट की देखिएगा, ये 5 साल का है। अभी जो भी है ना, ये 5 साल का है। अभी जो करेंगे वो लोग 18 महीने का ही मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये तो जरूरी है आपको, अगर सीमेंट बनाओ कभी करना है, आपको सेलेक्ट होने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप क्रूज लाइन में सेलेक्ट हो उसके बाद जाके कर सकते हो, क्योंकि लोग पहले भी करके रखते हैं। क्योंकि आप अगर पहले करते हो, अगर क्रूज लाइन में सिलेक्शन में थोड़ा लेट हो गया, तो आपको ये 5 साल में फिर करना पड़ेगा। इसके लिए कोई क्या करते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद जाके करते हो, आपकी चॉइस, आप कैसा करना है कर सकते हो, लेकिन करना जरूरी है। और कोई लोग क्या करता है, शॉर्टकट मारने शुरू कर दिया। शॉर्टकट मत मारो, क्योंकि इसमें क्या बताएगा आपको, टोटली पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। जैसे आप शिप में जाते हो कैसे, अभी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, यानी आप कभी अबॉर्डन शिप हुआ तो कैसे आपको सर्वाइव करना है, कभी आग लग गई तो, आग लग गई तो ऐसा नहीं है आप बोलेंगे आग लग गया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं चलता। आप भी उधर एम्प्लॉय हो, फिर आपको भी उधर ये करना पड़ेगा, पहले अपना सेफ्टी उसके बाद पैसेंजर सेफ्टी, ऐसा है। तो इसके लिए ये कंपलसरी करना है, फर्स्ट एड क्या क्या होता है, उसके बाद जाके सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या क्या करना है, तो ये जाके आप कीजिए, आप पर्सनल कीजिए, वो अच्छा रहेगा। शॉर्टकट मत मारिए, बहुत लोग ने शॉर्टकट मार के पैसा दे के पास करा लेते हैं, फिर जाके बाद में फिर आप इधर करते हो, फिर जाके शिप में भी करना पड़ता है। शिप में भी आपको हर 15 दिन में 20 दिन में आपको ऐसा ये लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। इसके लिए आप पर्सनली जाके पर्सनली कीजिए, वो अच्छा रहेगा। मेरा एडवाइस यही है कि आप पर्सनल कीजिए,
एग्जिट एग्जाम वगैरह कीजिए, बस यही होता है आपको ये STCW कोर्स। ये पूरा आपको ये कोर्स पूरा करने के बाद ये सब आपको इंडोस नंबर मिलेगा, इंडोस नंबर जाता है, फिर इंडोस नंबर तो परमानेंट है, इंडोस नंबर ऐसा नहीं है ये 5 साल का होता है, लेकिन इंडोस नंबर जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, सी फेयर का लाइफ टाइम होता है। उसके बाद ये सब आने के बाद आपको जाके CDC मिलेगा। इसके बाद ये जो कोर्स आएगा ना, ये कोर्स के बाद आप जाके CDC अप्लाई कीजिए। CDC आपको CDC 700 कुछ लगता है, CDC अप्लाई कीजिए, आपको विद इन 45 डेज आपको आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। ओके।